कर्नाटक में जिस प्रकार से स्वतंत्र वीर सावरकर जी, डॉक्टर हेडगेवार जी का नाम हटाना या फिर जिस प्रकार से धर्मांतरण को बढ़ावा मिले, इस प्रकार की चीजें करना, ये सारी चीजें देखी गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप किसी किताब से किसी का नाम मिटा सकते हैं, किसी के दिलों से किसी का नाम नहीं मिटाया जा सकता। जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया है उनका नाम आप मिटा नहीं सकते। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं उद्धव ठाकरे जी को, जो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर बैठे हुए हैं, कि अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या सत्ता के लिए केवल अल्पसंख्यकों का जिस प्रकार से तुष्टीकरण चल रहा है उसको आप मान्यता देते हैं? क्या ये अपमान वीर सावरकर जी का आप मान्य करेंगे या फिर कुर्सी के लिए केवल समझौता करेंगे? ये मेरा सवाल है। मेट्रो सिटी समाचार पर विज्ञापन हेतु संपर्क करें 8847744777।